सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आफ्टर गॉडलाइक लाइनअप चेंज बहुत लोग ये बात को लेकर सैड हैं कि अब इस बार टीम गॉडलाइक से नहीं खेलेंगे एंड अभी जब वो लाइव थे तो चैट में सभी बंदे यही कह रहे थे कि आप दोबारा से गॉडल लाइनअप से खेलो तो इस पर एसपार मैच्योरली रिप्लाई करते हैं एंड आपको पता होगा कि सोल एलिमिनेट हो गए फ्रॉम बीजीआईएस तो इस पर एसपार का क्या रिएक्शन होता है वो क्लिप आप स्क्रीन पर देखिए और टीम से खेलो बट गॉडल कभी लीव मत करो गाइस चिल करो यार गॉडल अपने दिल में है गॉडल में बहुत टाइम से कोई इशू नहीं वो यार डेड वही बात आती है कि मतलब थोड़ा म्यूचुअल डिसीजन लेके अंडरस्टैंडिंग करके करना पड़ता है चेंजेस थोड़ा कि वो प्लेयर को भी बेनिफिट हो उसमें और को भी बेनिफिट हो टीम को भी बेनिफिट हो तो जो भी डिसीजन आते हैं भाई वो अच्छा ही होता है गाइस अबे होता है बे ऐसा थोड़ी ना अभी उनका अच्छा गया अभी बीजा से पहले उन्हें तीन इवेंट बैक टू बैक जीते थोड़ा कुछ नसीब का भी खेल रहता है यार बीजा में लक फैक्टर में बहुत चलता है चिल करो तो गाइस क्या आप भी चाहते थे कि एस्पार गॉडलाइक लाइनअप से खेले देन स्पैम येलो हर्ट्स इन द कमेंट्स बिकॉज मैं भी यही चाहता था बट उनका डिसीजन लॉन्ग रन के लिए सही ही होगा एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी टीम्स एंड प्लेयर्स के बीच में कोई हेटेड का सीन नहीं है दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड बात करें इस वीडियो की तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही मिलते किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।